हिसाबरे आम राज्य 84 वर्ष पूर्ति करि 85 वर्ष रे पदार्पण करिछि। एही पुण्य दिन रे आमर प्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक आम समस्त अभिनंदन जनाइछंती एवं तांकर संदेश मु आपनकु पढ़ी सुनाइबाकु चाहिबी। माननीय मुख्यमंत्री कहिछंती, मोर प्रिय भाई ओ भौणी माने, ओडिशा दिवस अवसर रे आपनकु मोर शुभेच्छा जनाउछि। स्वतंत्र ओडिशा गठनर स्वप्न को साकार करिथिबा महापुरुष मानंक प्रति एही अवसर रे मु श्रद्धांजलि ज्ञापन करुछि। ओडिया भाषा साहित्य संस्कृतिर गौरव वृद्धि करिथिबा आमर बरपुत्र मानंक प्रति मोर सम्मान जनाउछि। ओडिशा विकासर विभिन्न क्षेत्र रे नुआ परिचय सृष्टि करिछि। डिजास्टर मैनेजमेंट क्षेत्र मध्य ओडिशा आपण मानंक सहयोग रे आगरे अछि। मोर विश्वास आपण मानंक सहयोग रे कोरोना विरुद्ध रे चालीथिबा आमर ई संग्राम रे आमे निश्चय विजयी हबा। वंदे उत्कल जननी। आजिर ए पवित्र दिन निजकु समर्पित करिवार दिन। राज्य रे जेपरी अनुशासन संयम शालीनता एवं मानवीकतार सहित ओडिशावासी कोरोनार आह्वान रो मुकाबला करुछंती तहार केतोटी सुंदर दृष्टांत देखिबा एवं ता सहित आसंतु समस्ते आज उत्कल जननी को आमर हृदय सम्मान श्रद्धा एवं भक्तिपूर्ण अंजलि तुली धरिबा। वंदे उत्कल जननी, 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 चारु हास मोइ चारु हास मोइ चारु हास मोइ चारु हास मोइ जननी जननी जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। जननी जननी जननी, विश्वभुवन
धन्यवाद। मु आपण मानंकु लगातार कहि आसुचि सरकार सारा ओडिसार जनसाधारणंकर खाद्य सामग्री बंटन निमन्ते सतत प्रचेष्टित अछन्ति। सरकार एथिपाई एक उच्चस्तरीय टीम तयारी करिछन्ति वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमारंक अधीनरे। से निजे आपण मानंकु सरकारंक प्रस्तुति पदक्षेप एवं परिकल्पना विषयरे आपणकु अवगत कराइबे। श्री सुरेन्द्र कुमार, धन्यवाद। श्रीयुक्त सुब्रत बागची महोदय, सर्वप्रथमे आज गणमाध्यम माध्यम रे मु धन्यवाद देकर आरंभ करने को चाहिए। आमर सबु खाउटी व्यापारी एवं मालवाही परिवहन संघर कर्मकर्ता बंधुगण मालिक बंधुगण को तांकु विशेष धन्यवाद जे से माने ये कठिन समय रे राज्य सरकारंक सांगरे एकाठी होकर छिड़ा होती एवं आवश्यकीय खाद्य जोगाण एवं अन्य सामग्री जोगाण रे सरकार का सहयोग करिछंती। मोर विशेष धन्यवाद 4.5 कोटी खाउटी बंधु मानंकु जे से माने ये कष्टर समय ये कठिन समय रे जो प्रकार रो तांकर अतुलनीय धैर्यर परिचय देइछंती। मोर अशेष अशेष धन्यवाद। बंधुगण, आज मु आपण को जणैबा को चाहे जे जो दिन आमर राज्य रे एवं देशव्यापी लॉकडाउन रो घोषणा करागला राज्य सरकार तत्कालीन से दिन ही गोटे कमिटी रो गठन कले जो उच्च स्तरीय कमिटी रो ना हला स्टेट लेवल मॉनिटरिंग यूनिट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सलाम। एही कमिटी रे 7 जन अधिकारी उच्च पदस्थ अधिकारी को सामिल करा गला। एही विभाग गुड़ी को हेले खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर वेलफेयर गृह निर्माण और नगर उन्नयन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट परिवहन आयुक्त ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वाणिज्य कर आयुक्त कमर्शियल टैक्स कमिश्नर पुलिस अतिरिक्त महानिर्देशक एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पाया ऑफिसर एवं
ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍। ଏହି ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏ କମିଟି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଗଠନ କରାଗଲା। ଆଉ ଏହି କମିଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟର 4.5 କୋଟି ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା, ବିଶେଷ କରି ଏ ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି, ଏ କଠିନ ସମୟ ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସୁଗମ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପହଞ୍ଚିବାର କଥା। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଧରି ଆମର କମିଟିର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ସମୟ ସମୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ଗୋଟିଏ ରୂପରେଖା ତିଆରି କଲୁ। ଆମର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ସେଇଟା ଆମେ ସ୍ଥିର କଲୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦାର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଖାଉଟି ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି ତାର ସଠିକ୍ ଆକଳନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଏହାର ନିର୍ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ, ଏହାର ସୁଗମ ଯୋଗାଣରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାର ନିରାକରଣ, ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାରୀ ଏବଂ ମାଲବାହୀ ପରିବହନ ମାଲିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ନିଦାନ, ଏହି ସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ସ୍ଥିର କଲୁ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା କି ଓଡ଼ିଶା ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ିର ଚଳାଚଳ ଉପରେ କୌଣସି ପାସ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରୁଛି ତାର ଚଳାଚଳ ପାଇଁ କୌଣସି ପାସ୍ର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ରାଜ୍ୟ ବର୍ଡ଼ରରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଲା। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁ କଟକଣା ଥିଲା ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଚାଲୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ରହିଛି ଏବଂ ପରିବହନ ମହାସଂଘର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ କଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲୁ। ଏହି ମିଟିଂଟା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଖାଉଟି ମହାସଂଘ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବହନ ସଂଘର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ କରିଦେଲୁ, ଏହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବାରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ। ଖାଉଟି ସଂଘମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ କି ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା COVID-19 ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାର ଅନୁସରଣ କେମିତି କରାଯିବ ତା ଉପରେ ଆମେ ସ୍ଥିର କଲୁ। ଆମେ ସମୟ ସମୟରେ ସବୁ ଥୋକ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ, ରିଟେଲର୍ସ, ଷ୍ଟକିସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଛୁ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୂରୀକରଣ କରୁଛୁ। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂକୁ କେମିତି ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରାଯିବ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ମାର୍କେଟ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଥୋକ୍ ମାର୍କେଟ ଅଛି ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଥୋକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆସିକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଆସିବେ ସେଥିରେ ଗହଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ରୋଟେସନ୍ ବେସିସ୍ରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ମାର୍କେଟ ଖୋଲିପାରିବା ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଗହଳି ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ କମାଇ ପାରିବା। ଏହା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସଫଳ ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ
बेसी गौड़ी हो ना आमे सबु सीएनएफ एजेंट होलसेलर्स समस्त को सुचारू रूपे पास देलु जहाँ फल आमर आमदानी रे और जो लोडिंग अनलोडिंग रे समस्या जो तांकर थिला आमे दूर करि पारले। बंधुगण आज 10 दिन पाखापाखि आमर लॉकडाउन होगला। आपण माने समस्ते जानुछंती जे एबे जाए राज्य रे कौनसी खाउटी जिनिसर कमी है ना ही। मु आपणकु आश्वासन देवाकु चाहे राज्य सरकार तरफ रु जे आमे निरंतर प्रयास करूछु एवं आमर प्रचेष्टा रही कि ओडिशा रे 4.5 कोटी खाउटी मानंकु कौनसी प्रकार समस्या आमे हेबाकु दबु नाही। चावल चीनी खाउटी तेल आलू प्याज अटा सबु प्रकार जिनस कौ राज्यर आमदानी हबो केते संख्या रे आमदानी हबो गाड़ी केते लोड हेला प्रतिदिन आमे संख्या रखुछु गाड़ी कौटिक पहुँचला केते माल आमर मंडी रे आसी रिटेलर मानक पाखरे ठीक रे सुचारू रूपे पहुँचला कि ना आ खाउटी माने ताकू पाई पारले कि ना आमे सबु दिगरे चिंता करी आज जाए सुव्यवस्थित हिसाब रे आमे चलैछु। और मु आपनकु आश्वासन देबाकु चाहे कि आमे कौनसी खाउटी को असुविधा हबाकु दबु नाही। बंधुगण विशेष समय न नहीं करी मोर गोटे अनुरोध रही आमे केतेक जगार देखीछु जे खाउटी माने दिनकु 2 थर 3 थर भी मार्केट को जाउछंती बाजार को जाउछंती। मोर विनम्र निवेदन अछि ये बहुत कठिन समय अछि आम समस्तक पई एवं 90% 95% आम लोक घर भितर रही जो कटकणा रही जो नियम रही तार अनुपालन करुछंती किंतु 5% भाई भौनी माने जो माने कि समय समय रे बाहर को आसुछंती मोर अनुरोध रहिबो आपण माने सप्ताह को 2 थर जदि गले मार्केट को मु भाबुची आपण बहुत अधिक परिमाण रे आमर समाज साहाज्य करिवे कारण जेते अधिक आमे मार्केट को जीवा संक्रमित हेबार सेतकी अधिक संभावना रहुछि। मोर अंतरे विशेष अनुरोध जे सोशल डिस्टेंसिंग रा पालन करंतु एवं लास्ट रे यहा कहिबी कि खाउटी दृष्टिरु खाद्य जोगाण दृष्टिरु आपण माने सैटिस्फाइड रहंतु आश्वस्त रहंतु राज्य सरकार सबु प्रयत्न करुछंती एवं कौनसी असुविधा खाउटी मानको होबो नाही। धन्यवाद धन्यवाद श्रीयुक्त सुरेन्द्र कुमार। वर्तमान कथा हेबा विश्व देश और राज्य विषय मु आपण मानको कहितली गतकाली 3टा सुद्धा संक्रमित देश मानकर संख्या थिला 200 एवं समुद्र रे भासुथुबा 2टी जहाज। आज 3टा सुद्धा 203टी राज्य रे संक्रमण हेलाणी एवं 2टी जहाज रे मध्य गतकाली 7,89,936 लोक संक्रमित होइथिले। आज 3टा सुद्धा 8,62,495 संक्रमित होइछन्ते। गतकाली 38,103 जन मृत्युवरण करथिले। आज से संख्या 42,510 रे पहुँचिछि। भारतवर्षरे आज दिन 3टा सुद्धा 1590 जन संक्रमित होइछन्ते जो संख्याटी काली थिला 1251 तेणु आपण देखिपारछन्ते किपरि भावरे संक्रमणर संख्या द्रुत गतिरे वृद्धि पाउछि। गतकाली मृतकंक संख्या भारतवर्षरे 32 थिला आज 3टा सुद्धा ए संख्या पहुँचिछि 45। आमर धारणा जे आसंता 2 सप्ताह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण रहिबो सबु दृष्टिरु एवं आम समस्तंकु कोरोना पाखरु 15 दिन रो मोहलत छड़ाई आणिबाकु पड़िबो। राज्यर स्वास्थ्य विवरणी उपरे टिके नजर रखिबा। नमूना परीक्षार रिपोर्ट मिलिछि 610 स्क्रीन रे आपण माने देखि परथबे। प्रथम 2टी केस रो संस्पर्श रे आसिछंती 55 जन व्यक्ति। तृतीय केस संस्पर्श रे आसिछंती 112 जन। चतुर्थ केस जोटा पॉजिटिव जना पड़ी ता संस्पर्श रे आसिछंती 7 जन। कोरोना संदिग्ध विभिन्न चिकित्सालय रे पृथकवास रे अछंती 88 जन।
ये व्यतीत आपको कहवाक चाहिए ऑनलाइन एवं 104 माध्यम रे रजिस्ट्रेशन बा पंजीकरण होई छे पर्यंत 15,045 जनकर जो मान को मध्यरु विदेश फेरंता होचंती 4,332 जन विदेश फेरंता व्यक्ति जे चतुर्थ पॉजिटिव जना पड़िछंती काली ये 29 वर्ष वयस्क जने युवक ओडिया प्रोफेशनल जने दुबई रे काम करथुले से 18 मार्च दुबई रु कोलकाता यात्रा करथिले एमिरेट्स फ्लाइट EK570 द्वारा कोलकाता विमान बंदर रु हावड़ा स्टेशन टैक्सी रे एकुटिया यात्रा करथिले 18 मार्च दिन हावड़ा स्टेशन रु भद्रक स्टेशन ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस रे आसीचंती कोच नंबर S11 रे मार्च 18 तारीख दिन ऑटो रिक्शा रे भद्रक स्टेशन रु घर को आसीचंती निज घरे संगरोध होई रहिथिले मार्च 30 रे परीक्षा पई नमूना संग्रह होइथिला एवं मार्च 31 रे संक्रमित होइथिबा रो कन्फर्मेशन आमे पाइलु देश समाज एवं राज्य जेते बेले आजिर कष्टकर परिस्थिति मध्य दे गति करूची एवं आगामी दिन रे आमकु प्रतिटी बुंदा साहस शक्ति एवं धी बजाय रखिबाकु पड़िबो सेही थारे केतक असामाजिक एवं दायित्वहीन व्यक्ति गुजब प्रचार करिबा आरंभ करछन्ति आजि एही परि केते जण व्यक्ति गोटिए भुवनेश्वर रो शिक्षा अनुष्ठान विषय रे गुजब सृष्टि करिछन्ति गुजब अनुसारे पुणि थरे कहि दिए गुजब अनुसारे 15 जन पॉजिटिव केस चिन्हट होइछंती बोली एमाने कहिछंती एही परि गुजब रटना एक घृण्य निंदनीय व्यापार राज्य सरकार जेउठी आपातकालीन भित्तिरे समस्तंकु निरापद रखियाकु चेष्टा करूछंती सेठारे एही परि व्यवहार अत्यंत निंदनीय देखिबाकु गले मु त कहिबि एहा एक रकम रो राष्ट्रद्रोही कार्य राज्य सरकार को तरफ रु मु एपरी व्यक्ति को सूचित करि दबा को चाहे जे कोनोसी व्यक्ति एपरी समाज ओ राष्ट्रद्रोही कार्यकलाप कला रो जदि आमे दृष्टांत पाइबु तांक विरुद्ध रे अत्यंत कठोर पदक्षेप निया जिवो वर्तमान कथा बा एक विशेष संवेदनशील विषय रे ताहला रोग संक्रमित व्यक्ति मानंक प्रति आमर व्यवहार किपरि रहिबा दरकार कोरोना रोग धनी गरीब जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे मानव जाति पई एक भयंकर परिस्थिति सृष्टि करिछि कोरोना जेकोनसी समय रे जेकोनसी व्यक्ति को आक्रमण करि पारे आपण माने देखिथिबे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना आक्रांत होइछंती कनाडा रो प्रधानमंत्री श्री जस्टिन ट्रुडोंकर धर्मपत्नी सोफी ट्रुडो को आक्रांत करिछि कोरोना प्रिंस चार्ल्स आक्रांत होइछंती ईरान रो उपराष्ट्रपति इसाक जहांगीर को परिलोक मध्य आक्रांत होइछंती काली मु आक्रांत होइ पारे भगवान न करंतु आपन को प्रियजन जने आक्रांत होइ पारंती आमको रोगीर नुह रोगर मुकाबला करिवाकु पड़िबो जड़े आक्रांत व्यक्ति को आमे निंदा लांछना बा घृणा प्रदर्शन करि पारिबा नाही तांको प्रति बा तांको परिवार प्रति कोनोसी प्रकार रो अमानुषिक व्यवहार प्रदर्शन करिबा नाही आक्रांत व्यक्ति को तांको परिवार को निंदा तिरस्कार लांछना कले तार सीधा सळख प्रभाव आमरी ऊपर को आसीब संदिग्ध व्यक्ति लक्षण को लुचाइबे एवं सेई माने ही सुपर स्प्रेडर होई जिबे एवं से सुपर स्प्रेडर जदि हेबे सर्वप्रथमे कोरोना रे लांछना एवं तिरस्कार करथिबा व्यक्ति को कोरोना छुइब कोरोना रे आक्रांत व्यक्ति को एवं तांकर परिवार को सहाय्य एवं समवेदना दबाक पड़िब आजि एतिकिरे मु आमरो ब्रीफिंग सांग करछि आपण माने निरापद रहिबे सुस्थ रहिबे काली 4:30 बेले पुणी थरे आपण मानको सामना को आमे आसिबू।
धन्यवाद, नमस्कार, वंदे उत्कल जननी।